हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉल बैडर के बारे में कि गॉल बैडर होता क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इसमें बाइल स्टोर होता है और वो बाइल कैसे लिवर की डक्ट के रास्ते, पेनक्रियाटिक की डक्ट के रास्ते ड्यूडनम में पहुंचता है जहां पे फैट टूटता है। तो हम देखेंगे गॉल बैडर का काम क्या है, सिस्टिक डक्ट क्या होती है, बाइल किस तरीके से ड्यूडनम तक पहुँचता है और गॉल ब्लैडर के फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर इज ए पियर शेप। जो गॉल ब्लैडर है पित्त की थैली है, वो नाशपाती के आकार की होती है। इट अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर, जो लिवर के पीछे रहती है पर अटैच किससे होती है, कनेक्टिव टिश्यू पे। कोई पूछे गॉल ब्लैडर रहता कहाँ है, तो बताएंगे लिवर के पीछे साइड में कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहते हैं। ठीक, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ, तीन चीज़ों कंसिस्ट करती है, यानी तीन चीज़ें, तीन पार्ट होते हैं इसके, जिसे बॉडी कहते हैं, फंडस कहते हैं, नेक कहते हैं। नेक, इसमें बॉडी होगी ये वाला पोर्शन, फंडस होगा ये वाला पोर्शन और नेक ये होगी, और यहाँ से इसकी नली गई होगी जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। जैसे इसमें देखो गॉल ब्लैडर है और ये नली आई है जो पेनक्रिया से अटैच होगी, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, किसकी, बाइल की नली को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे, किसी एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, गॉल ब्लैडर एक्ट एज स्टोरेज वेसल फॉर बाइल। जो पित्त की थैली है, गॉल ब्लैडर है, वो एक स्टोरेज वेसल है, ऐसा बर्तन है जिसमें चीज को हम स्टोर कर सकते हैं। किसको स्टोर करता है ये, बाइल्स को, जो कौन बनाता है, लिवर। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, लिवर बाइल को बनाता है लेकिन स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, आगे हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे कि पीछे भी बताया था कि जो गॉल ब्लैडर है हमारा, वो क्या है, स्टोरेज ऑर्गन है, यानी स्टोरेज वेसल है जो बाइल को स्टोर करता है, जो लिवर बनाता है। आगे ये देखते हैं, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटोसाइट इन द लिवर। जो लिवर के अंदर हेपेटोसाइट सेल हैं, जो हेपेटोसाइट सेल हैं, वो बाइल्स का प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें पीछे वाली वीडियो है, उसमें बताया है किस तरीके से करते हैं, वो आप लोग देख लेना। उसके बाद में बाइल जो बन गया है हेपेटोसाइटिक सेल में लिवर के, अब वो पास होगा बाइल डक्ट के रास्ते सिस्टिक डक्ट में। मान लो हमारा यहाँ पे लिवर रहता है, यहाँ पे इस जगह पे लिवर होगा, ठीक है, यहाँ से जब लिवर नीचे, वो बाइल नीचे आएगा, तो इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये देखो लिखा भी है सिस्टिक डक्ट, और को इसमें एक आपको डायट दिखा, ये देखो यहाँ पे सिस्टिक डक्ट लिखा है, लिवर से यहाँ से बाइल बना और नीचे आएगा सिस्टिक डक्ट में, ठीक है। सिस्टिक डक्ट के रास्ते ये हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाए। लिवर ने बाइल को बना दिया, ठीक है, हेपेटोसाइट सेल द्वारा। अब वो जो बना हुआ है लिवर से यहाँ सिस्टिक डक्ट में आएगा, यानी गॉल ब्लैडर की डक्ट में आएगा। यहाँ से फिर एक प्रोसेस, कौन सी, पेरिस्टलेसिस प्रोसेस द्वारा वेव फॉर्म में मसल जो है गॉल ब्लैडर की, उसमें पेरिस्टलेसिस प्रोसेस होगी घुमावदार वेव के फॉर्म में, ये यूं तरीके से, और ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचेगा, उस समय बाइल यहाँ से निकलेगा, ड्यूडनम में जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से ड्यूडनम में बाइल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो बाइल स्टोर है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, क्या ये हमारा गॉल ब्लैडर, इसके अंदर बाइल स्टोर है। अब ये किस तरीके से ड्यूडनम में पहुंचेगा, वो रास्ता देखते हैं हम लोग। तो एरा गॉल ब्लैडर, यहाँ लिखा है सिस्टिक डक्ट, यानी गॉल ब्लैडर की डक्ट, ये वाली हेपेटिक डक्ट, यानी ये लिवर से आई हुई डक्ट। जब ये दोनों यहाँ मिलेंगी तो हम इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, मतलब बाइल डक्ट प्लस लिवर डक्ट, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल निकला बाहर, लिवर की डक्ट से मिला, तो
तो हम उसको बोल दिए क्या, कॉमन बाइल डक्ट। आगे देखते हैं, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो आगे जब जाएगा पेनक्रियास के पास में यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। जब ये कॉमन बाइल डक्ट मिलेगी किससे, पेनक्रियास से, पेनक्रियास से उसकी डक्ट से मिलेगी, तो इसे बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पोला। अगर भूल जाओ तो इतना याद रखो कि जब कॉमन बाइल डक्ट है यानी लिवर और जो बाइल की डक्ट है वो जब नीचे जाएगी तो वो एम्पोला ऑफ वाटर कहलाएगी, एम्पोला ऑफ वाटर। फिर यहाँ से ये ड्यूडनम में खुलेगी ये, और यहाँ पे टूटेगा फैट। तो मेनली जो फंक्शन है बाइल का वो फैट को तोड़ना है। फिर सिक्वेंस देख लो, एक बार फिर दोबारा रिवाइज किए दे रहे हैं कि सिक्वेंस किस तरीके से इसका वर्क करता है। बाइल डक्ट प्लस लिवर डक्ट इज इक्वल टू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक, इतना हो गया। अब जब ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे पेनक्रियाज की डक्ट से मिलेगी तो उसे बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पोला या एम्पोला ऑफ वाटर। तो ये दोनों सीक्वेंस आप याद रखना, ये सिस्टिक डक्ट है, ये हेपेटिक डक्ट है जिसे कॉमन बाइल डक्ट बोला गया है, और लास्ट में पेनक्रियाज वाले से मिला तो उसको एम्पोला ऑफ वाटर बोल दिया। यानी इसमें कितनी कितनी बाइल डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट, इन तीनों को मिला के बोल दिया गया एम्पोला ऑफ वाटर, यह हेपेटिक पेनक्रियाटिक एम्पोला। अब ये यहाँ से ड्यूडनम में जाएगा और फैट को तोड़ेगा। पहला फंक्शन है रिजर्वर फॉर बाइल। क्या है रिजर्वर, मतलब होता है कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर की जाए। तो यहाँ पे क्या स्टोर होता है, बाइल। तो ये बाइल जिस जगह पानी स्टोर होगा तो वहाँ कहेंगे रिजर्वर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बाइल रहता है, तो गॉल ब्लैडर क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम बाइल को रख सकते हैं, रखते ही हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, बाइल डाइल्यूट ना हो जाए, अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो जब फैट का डाइजेशन करने जाएगा तो हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कंसंट्रेट रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर का काम है विद द हेल्प ऑफ सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है वो बाइल को रिलीज करती है नीचे जाने के लिए। चौथा, विद द हेल्प ऑफ बाइल, बाइल की सहायता से डाइजेशन ऑफ फैट, अगर फैट टूटता है और वो स्टार्च, फिर स्टार्च के बाद वो कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट में फिर वो और मोनोमर में टूटेगा, मोनोसेक्राइड में, उसके बाद में वो एनर्जी देगा हमको। तो मेनली जो फैट का टूटना होता है ड्यूडनम में वो हमारे बाइल की सहायता से होता है, बाइल गॉल ब्लैडर में रहता है। ये मेनली फंक्शन होते हैं किसके, गॉल ब्लैडर के।